भारत के प्राचीन इतिहास में एक ऋषि ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान देकर असुरों का वध किया था। महर्षि दधीच जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान भगवान इंद्र को दिया था और इंद्र ने उन्हीं हड्डियों से एक अस्त्र बनाकर विभिन्न प्रकार के राक्षसों का वध किया था। महर्षि दधीच के इस त्याग और समर्पण के बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। उनकी पत्नी का 3 वर्ष का एक पुत्र था जिसको एक पीपल के खोल में रखकर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। वो बच्चा उस पीपल के पेड़ के खोल में ही रहने लगा और धीरे धीरे उन पीपल के पत्तों को खाकर तथा उस वहाँ से निकलने वाले दूध को लेकर वह जीवित रहने लगा। एक बार महर्षि नारद वहाँ से गुजर रहे थे तब उन्होंने उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी और उस बच्चे के पास पहुँचे। उस बच्चे को जाकर अपने भूतकाल का एहसास करवाया, भूतकाल के बारे में बताया कि तुम्हारे पिता एक विद्वान और एक महर्षि हुआ करते थे और शनि की प्रकोप के कारण ही तुम्हारे पिता को अपनी हड्डियों का दान देना पड़ा तथा तुम्हारी माता का देहांत हो गया। इसके बाद महर्षि नारद वहां से चले जाते हैं। महर्षि नारद ने ही उस बच्चे का नामकरण किया था और उस बच्चे का नाम था पिपलाद। पिपलाद धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसने परमपिता ब्रह्मा की बहुत तपस्या की। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उस बच्चे से वरदान मांगने को कहा। पिपलाद ने वरदान यह मांगा कि मैं जिसके सामने भी देखूं उसका शरीर जलने लगे, और इतना तथा अस्तु कहकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। बच्चा फिर भगवान शनिदेव की पूजा करने लगा, उनकी तपस्या करने लगा और अंतःगत्वा भगवान शनि महाराज को प्रकट होना पड़ा। जैसे ही भगवान शनि प्रकट हुए उस बच्चे के सामने, उस पिपलाद के सामने, उस पिपलाद ने अपने दिव्य दृष्टि से भगवान शनिदेव की तरफ देखा और शनिदेव का शरीर जलने लगा। जलते हुए भगवान शनिदेव पूरे ब्रह्मांड में इधर उधर भटकने लगे और पूरे इंद्रलोक में हाहाकार मच गया। सभी देवता भगवान इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र और सभी देवता मिलकर ब्रह्मा के पास पहुंचे और जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, ये आपके ही वरदान का परिणाम है जिसके फलस्वरूप भगवान शनि महाराज का शरीर जल रहा है। सभी देवता और परमपिता ब्रह्मा उस बच्चे पिपलाद के पास पहुंचे और आकर उनसे विनती कहने लगे और करने लगे कि अपने इस प्रकोप को आप कम करिए और शनि महाराज को माफ करिए। तब वह बच्चा कहता है कि इसी भगवान शनि महाराज की कोप दृष्टि के कारण मैंने मेरे पिता को खोया, मैंने मेरी माता को खोया। तब ब्रह्मा जी उन्हें वरदान मांगने के लिए कहते हैं और उन्हें क्षमा करने के लिए कहते हैं। तब शनि भगवान को वो पिपलाद क्षमा कर देता है और परमपिता ब्रह्मा से वह वरदान लेता है। वह 2 वरदान लेता है। पहला वरदान यह था कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के ऊपर कभी भी भगवान शनि की कोप दृष्टि नहीं पड़ेगी। दूसरा वरदान यह था कि जो भी व्यक्ति कलयुग में पीपल के वृक्ष की नियमित पूजा करेगा उसके ऊपर शनि की कभी भी कोप दृष्टि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पीपल के वृक्ष ने ही उस पिपलाद को अपने खोल में शरण दी थी। इस प्रकार का वरदान परमपिता ब्रह्मा से पाकर शनि भगवान का शरीर भी जलना बंद हो गया, मगर उनका शरीर काला पड़ गया था। तभी से एक प्रथा प्रचलित हो गई कि भगवान शनि को काली चीजों का भोग चढ़ने लगा, काली वस्तुएं उन्हें अर्पण करने लगे। इसके बाद उनके शरीर को शांत करने के लिए उनके ऊपर तेल को चढ़ाने की प्रथा उस समय से शुरू हो गई थी। यही पिपलाद आगे चलकर एक बड़ा विद्वान, अपने पिता महर्षि दधीच की तरह ही एक विद्वान ऋषि हुआ जिसने बहुत से ग्रंथ की रचना की, जिसमें प्रथम उपनिषद की ग्रंथ की रचना करने का श्रेय इस पिपलाद को ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।